ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ईरान का इसराइल पर हमला करना भारी पड़ सकता है, भले अब तक इसराइल ने ईरान के हमले के जवाब ना दिया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि इसराइल कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घंटे में इसराइल कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है जिससे पश्चिमी एशिया की तस्वीर बदल सकती है। ईरान ने इसराइल पर पहला वार किया और उसे लगा कि इसराइल इससे डर जाएगा या काउंटर अटैक करेगा, लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अभी तक इसराइल ने वो एक्शन नहीं किया है। इस वजह से ईरान और ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि अब उसे अंदेशा हो चुका है इसराइल के धधकते क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शायद इसलिए ईरान बैकफुट पर पहुंचा और उसने अपने साथियों के जरिए ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि वो जंग के सिलसिले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान जंग को और आगे नहीं ले जाना चाहता। उधर इसराइल के चैनल 12 ने दावा किया है कि इसराइल की कैबिनेट ने मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए ईरान के खिलाफ जोरदार जवाबी एक्शन का फैसला कर लिया है और इसके लिए पूरी प्लानिंग लगभग हो चुकी है। इंतजार है तो बस नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का। ईरान विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट्स एक्शंस। वी विल चूज आवर रिस्पांस अकॉर्डिंगली। द IDF रिमेंस रेडी टू काउंटर एनी थ्रेट फ्रॉम ईरान and its terror proxies as we continue our mission to defend the state of Israel. इस बीच एक ऐसी खबर भी आ रही है जिससे परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसराइल के संभावित हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अलर्ट पर है। विदेशी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की सीक्रेट कैबिनेट बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई परमाणु ठिकाने इसराइल के निशाने पर हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागहेरी कानी ने चेतावनी दी है कि इसराइल ने इस बार हमला किया तो 12 दिन का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि कुछ सेकंड्स में ही इसराइल को जवाब देंगे। ईरान के मंत्री ने कहा कि हमारा अगला हमला पहले हमले से भी खतरनाक होगा। और इसमें वो पहले से दोगुनी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सूत्रों से पता चला है कि इस बार इजरायली हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने इस बार 400 मिसाइलों को तैयार रखा है। सूत्रों ने यह भी बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा कि मोदी जी गरीब परिवारों का दर्द बांट रहे हैं। सोचिए राजस्थान की गर्मी में छोटा सा क्षेत्र में अगर पूरा परिवार खड़ा नहीं होगा तो पूरा परिवार सोचते हुए इतना छोटा सा और आप क्या करिए लड़की ने बता देना आपको उनके बच्चों को आगे आने वाले पीढ़ियों को ये सुख सुविधा मिले तो हम सबको
रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी आज गुवाहाटी पहुंचे और कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर महाअष्टमी पर पूजन अर्चन किया। अनंत अंबानी ने मंदिर परिक्रमा की और मंदिर परिसर में कबूतर छोड़े, साथ ही उन्होंने नीलाचल पहाड़ियों के बंगला मंदिर में भी मथा टेका। ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, महाअष्टमी पर पूजा अर्चना की ये तस्वीर। और अनंत अंबानी ने मंदिर परिक्रमा भी की, बंगला मंदिर में मथा भी टेका। तो कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर महाअष्टमी पर पूजन अर्चन किया है अनंत अंबानी ने। बताते चलें कि कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में स्थित है, जहां पर बताया ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और बताया जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर में ही माता सती का अंग गिरा था। और चले रुक करते हैं प्राइम 25 खबरों की ओर।